हॉस्पिटैलिटी आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज में से एक है। क्या आप इस ग्लोबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन अपना करियर संवारना चाहते हैं? ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां आप पा सकते हैं दुबई, कुवैत, मॉरिशियस, सीशेल्स, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जॉब प्लेसमेंट्स। ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करें 7406129277 या 7406129276। जल्दी करें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी सेना के सितारा जुर्रत मोहम्मद शब्बीर खान के कब्र की मरम्मत भारतीय सेना ने की। सेना ने कहा, शहीद सैनिक भले ही किसी भी देश से हो, लेकिन मरने के बाद वो सम्मान का हकदार होता है। दरअसल खान को LOC में 5 मई 1972 के कार्रवाई में मार गिराया गया था। रिपब्लिक न्यूज के टीवी एंकर अर्णव गोस्वामी हमेशा चर्चे में रहे हैं, कभी अपने चिल्लाने के अंदाज को लेकर या कभी TRP को लेकर। अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभिनेता सुशांत सिंह के दोस्त रहे संदीप सिंह ने 200 करोड़ मुआवजे की मांग करते हुए अर्णव गोस्वामी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। संदीप सिंह ने यह आरोप लगाया है कि अर्णव गोस्वामी के सहयोगियों ने उनसे पैसे लेने के लिए आपराधिक इरादे के संदेश भेजे थे। RR नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस की उम्मीदवार कुसुमा पर की गई FIR को लेकर महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेलगाम के रूरल MLA लक्ष्मी अब्बालकर ने कहा, RR नगर में काम कर रहे पुलिस अधिकारी नवीन BJP और RSS के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण बेलगाम जिले के कुर्ची का पुल पूरी तरह से डूब गया है। पुल डूब जाने की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रीनगर के चन्नम्मा हाउसिंग सोसाइटी के पास बनाया गया होमगार्ड का केंद्र नागरिक सुरक्षा विभाग कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। बेलगाम के DGP AM प्रसाद ने सुरक्षा विभाग कार्यालय का उद्घाटन किया। बेलगाम मार्केट पुलिस स्टेशन के पुलिस द्वारा गुरुवार रात को एक जुए के अड्डे पर छापेमारी की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 58,000 रुपये कैश और मोबाइल जब्त किया गया है। एक अनजान व्यक्ति ने बेलगाम रेलवे ओवरब्रिज पर खुदकुशी की है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और डेड बॉडी को नीचे उतारा गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र से कृष्णा नदी में 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से चिक्कोड़ी विभाग के 10 से ज्यादा पुल पानी में डूब चुके हैं। करीब 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई डैम फुल हो गए थे, जिसकी वजह से पानी कृष्णा नदी में छोड़ा गया है। गोकाक तालुका में सत्यवाद बगीचे में करीब 25 से 30 वर्षीय एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली है। मामला गोकाक शहर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। PSI ने कहा है, अगर कोई इस व्यक्ति को जानता हो तो गोकाक शहर पुलिस थाना से रब्ता करे। बारिश के खबरों पे हम लगातार बने हुए हैं। बारिश की वजह से अतनी के कई इलाकों में फसल खराब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट बी चैनल ने अब तक पहुंचाई थी। इसी तरह अतनी के शांतिनगर में बारिश की वजह से करीब 5 घरों में पानी जमा हुआ है। ड्रेनेज बनाते वक्त नगर पालिका द्वारा की गई गलतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है।